हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बाजार जैसा एकदम सॉफ्ट और क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम। कढ़ाई में 1 कप फुल फैट का दूध डालेंगे। मैंने ये दूध पहले गर्म कर लिया था, आप देख सकते हैं इसमें मलाई भी दिख रही है। 250 ml कप का माप से मैंने 1 कप दूध लिया है। तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, बाद में हमें गैस चालू करना है। ठंडा दूध में सब पहले मिक्स कर देना है। इसे अब अच्छे से चला के मिक्स करना है ताकि कोको पाउडर का और मिल्क पाउडर का लम्स नहीं रहे अंदर। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम गैस चालू करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के इसे उबालेंगे। इसे हमें लगातार चला के उबालना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाएगा और चिपक जाएगा। देख सकते हैं ये गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे। 1/3 कप देसी खांड डालेंगे। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ली है। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप नॉर्मल चीनी डाल सकते हैं। ये 70 ग्राम जितनी है, 70 ग्राम। 50 ग्राम डार्क चॉकलेट डालेंगे। डार्क चॉकलेट डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आइसक्रीम को मैं ज्यादा चॉकलेटी बनाना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये डार्क चॉकलेट डाली है। धीमी आँच पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 9 से 10 मिनट के लिए इसे मैंने कुक किया है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स भी हो रहे हैं। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। कढ़ाई को हम गैस पे से नीचे उतार लेते हैं। इसे लगातार चला के रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेते हैं। एकदम ठंडा हो गया है तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 कप नॉन डेरी व्हिप क्रीम लिया है, इसे बाउल में डाल देंगे। एकदम ठंडा क्रीम लेना है फ्रिज में से निकाल के। इसे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी। आप चाहे तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, इस तरह से जो हैंड विस्कर आता है इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसे बीट कर लेते हैं। पहले धीमी स्पीड पे बीट करेंगे, अभी स्पीड हाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से ये 4 से 5 मिनट में बीट हो जाता है क्रीम। आप देख सकते हैं इस तरह से पिक्स बन रहे हैं। इस तरह का क्रीम हो जाए तब तक हमें इसे बीट करना है। बाउल को हम उल्टा करेंगे तो ये नीचे गिर भी नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। आइसक्रीम के मिश्रण को मैंने फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख दिया था, अभी हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसे थोड़ा बीट करके मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। आइसक्रीम को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे केक का टीन लिया है, इसमें मैंने क्लीन रैप लगा दिया है ताकि हम आइसक्रीम को आसानी से अनमोल्ड कर सके। आप कोई भी प्लास्टिक के डब्बे में भी इसे डाल के सेट कर सकते हैं। इसमें आइसक्रीम का मिश्रण डाल देंगे, टैप कर देंगे। मेरे पास ये पेपर कप है तो इसमें भी मैं थोड़ा डालूंगी। आइसक्रीम को मैंने पेपर कप में भी भर दिया है और चॉकलेट चिप्स डालेंगे। ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स मैंने ऊपर डाल दी है, इसे हम थोड़ा सा हल्का चम्मच से दबा देंगे। इसके ऊपर भी क्लीन रैप लगा लूंगी इस तरह से। अंदर से लगा देना है क्लीन रैप ताकि अंदर पानी की बूंदे नहीं बने। एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर देंगे। कप को भी हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। इसे हम ओवरनाइट फ्रीजर में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट फ्रीजर में रखा था, अभी देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, ये मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। इसे हम दूसरी ट्रे में ले लेंगे। आइसक्रीम को हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बना है, सेम बाजार जैसा आइसक्रीम बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।